Hello student, now we are explaining question number 8, exercise 4.3. That is, in countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured out in Celsius. Here is linear equation that convert Fahrenheit to Celsius. India में जो temperature measure किया जाता है, वो किया जाता है Celsius में, और USA and Canada में जो temperature measure किया जाता है, वो Fahrenheit किया जाता है Fahrenheit. तो इसको लीनियर इक्वेशन में हमको कन्वर्ट करना है फेरनहाइट टू सेल्सियस. तो आप क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के पहले आपको जो इक्वेशन कन्वर्सेशन जो है टेबल से वो राइट करेंगे. ये गिवन है फेरनहाइट इक्वल टू 9/5 C + 32. इसमें फेरनहाइट जो है वो इसमें सेल्सियस जो रहता है वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है फेरनहाइट. ओके, तो ये जो फॉर्मूला आपकी बुक में गिवन है, हम उसको टेबल के अकॉर्डिंग एक कॉलम को फेरनहाइट बनाए देंगे और एक को क्या बनाएंगे हम सेल्सियस. अब हम क्या करेंगे, इसमें जो सी की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, जीरो पुट कर दी. जब हम सी की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो 32 रिमेनिंग पार्ट बचेगा, तो फेरनहाइट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी 32. तो सी की वैल्यू जीरो पुट करने पर आपका कितना आ रहा है, 32 आ रहा है. ओके, अब हम क्या करेंगे इसमें सेकंड वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर सी की ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे 5 कैंसिल हो जाए. तो हमने क्या पुट करा, -14. सी के बेस पे क्या पुट कर दिया हमने, -14. 5 × 40 एट नाइन का कितने हो गए 72. -72 + 32 कितने हो जाएंगे आपके -14. मतलब अगर सी की वैल्यू हम -14 पुट करते हैं तो एफ की वैल्यू भी कितनी आ गई आपकी -14. ऐसे हमने टू जो पॉइंट है वो फाइंड आउट कर लिए. अब इस टू पॉइंट से हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. जो आपका फर्स्ट बुक में क्वेश्चन क्या दे रखा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑल यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस को आपको क्या मानना है, सेल्सियस मानना है, एंड फेरनहाइट फॉर वाई एक्सिस. और जो वाई एक्सिस को उसको आपको क्या मानना है, फेरनहाइट. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. अब आपकी जो यूनिट्स होती है हम कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से. पर हमारे जो इसमें जो नंबर है ये 32 और 40, ये नंबर ज्यादा है जो हम ग्राफ पे ड्रॉ नहीं कर सकते. तो हम उसके अकॉर्डिंग यूनिट्स को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे. किस टाइप से चेंज करेंगे आप, कि 1 यूनिट्स इज इक्वल टू हम कितना ले लेंगे सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर. ओके सॉरी, 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना ले लेंगे, 8 यूनिट्स. इस टाइप से हम चेंज कर लेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों पे. 1 सेंटीमीटर ये जो ब्लॉक बने होते हैं 1 सेंटीमीटर के होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया, 8 यूनिट्स बॉथ एक्सिस दोनों एक्सिस. अब यहाँ पर 8, 16, 24, 32, 42, ये 48 का डिफरेंस हो जाएगा. यहाँ पे भी 8, 16, 24, 32, 42 इस टाइप से मार्क कर लेंगे. अब सी की वैल्यू क्या है आपकी, आपने इसको सेल्सियस को कौन सी एक्सिस पे लिया है, एक्स एक्सिस पे. ओके, तो सी की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 0 आ जाएगी. और फेरनहाइट को कौन सी एक्सिस पे लिया है, वाई पे, तो ये 32. मतलब आपका पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ये जो पॉइंट आपका मिला है ये आपका हो जाएगा 0 × 32. इस टाइप से आप इसको क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे. इसको आप क्या नाम दे सकते हैं, ए नाम भी दे सकते हैं, हमने क्या नाम दे दिया इसको, ए. अब सी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, -42 ये 11 पॉइंट है. और वाई की वैल्यू आपकी क्या है, वाई की वैल्यू भी आपकी क्या आएगी, 40. तो इसको कहां तक ले जाएंगे आपको, -40 यहाँ पर नीचे आएगा, ये हमने माफ कर दिया. इसको हमने क्या नाम दिया, बी, बी पॉइंट. और ये हो जाएगा आपका -40 एंड -40. इस टाइप से हम इसको माफ कर देंगे. और इसको हमको क्या करना है, ज्वाइन करना है. किस टाइप से ज्वाइन करेंगे हम इसको, देखिए आप, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो तो अब क्वेश्चन आपका चेंज
दिया था, और इसका सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसी का सेकंड क्वेश्चन, उन्होंने बुक में क्या दिया है, टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब सी के फेस पे आपको 30 पुट करना है। एफ इक्वल टू 9/5, सी के फेस पे कितनी डिग्री पुट करना है आपको, 30 डिग्री प्लस 32। 5 × 5 = 5, 6 कितने हो जाएंगे 35, 9 × 6 कितने होते हैं आपके 54 प्लस 32, प्लस करिए आप कितने हो जाएंगे 86। मतलब अगर आप सी की वैल्यू 30 है तो फेरनहाइट में इसकी वैल्यू आपकी किया जाएगी, ये टेम्परेचर इज फेरनहाइट 86 डिग्री फेरनहाइट, क्या लिख सकते हैं आप 86 डिग्री फेरनहाइट। मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें जनरली पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है, जो आपको आना चाहिए, इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या बोला, अगर टेम्परेचर 95 डिग्री फेरनहाइट, अब टेम्परेचर क्या हो 95 डिग्री फेरनहाइट, मतलब एफ के प्लेस पे आपको क्या लिखना है 95 और 9/5 सी प्लस 32, मतलब 9 ये सेकंड है। अब ये कौन सा हो गया आपका थर्ड, टेम्परेचर 95 डिग्री है तो एफ के प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया 95, अब इसको आप 32 इसमें इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 95 - 32 कितना हो जाएगा, 5 × 2 का कितने बचेंगे 3, 9 × 3 का कितने बचेंगे 63, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 63, 5 इसका 9/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 9 × 9 = 9, 9 × 9 = 16, मतलब 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसका आंसर कितना आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इफ टेम्परेचर इज 0 व्हाट इज द टेम्परेचर इन फेरनहाइट, और इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फेरनहाइट तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। ये तो आप निकाल चुके थे, मैंने आपको जो टेबल्स बनाई थी उसमें भी मैंने आपको शो करा था कि 0 डिग्री सेल्सियस रखते थे तो फेरनहाइट की वैल्यू कितनी आई थी 32। मैं आपको फेरनहाइट की वैल्यू वाला करवा देती हूँ इसमें। अब टेम्परेचर आपको फेरनहाइट में 0 रखना है, अगर हम 0 रख देते हैं तो कितना आता है चेक करते हैं, सेल्सियस में 0 रखा था तो वैल्यू कितनी आएगी फेरनहाइट की 32, ये हमने ब्लॉक पे भी किया पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। अभी 32 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा, -32। सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -32 × 5/9, अब ये कैंसिल होगा क्या नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 5 × 15 = 160, 160/9, तो सेल्सियस में इसका आंसर कितना हो जाएगा 160/9, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -17.8 डिग्री सेल्सियस। ओके, -17.8 डिग्री सेल्सियस। अब लास्ट आपका आता है कि इस देयर द टेम्परेचर इज न्यूमेरिकल द सेम इन बोथ फेरनहाइट एंड सेल्सियस इफ यस फाइंड इट, मतलब आपको ऐसा टेम्परेचर बताना है जिसमें कि सेल्सियस और फेरनहाइट दोनों क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं, कौन से टेम्परेचर पे सेल्सियस और फेरनहाइट दोनों इक्वल हो जाते हैं, अगर है तो आपको उसको फाइंड आउट भी करना है। या फिर एट बॉट टेम्परेचर आर इक्वल दैट इज सी इक्वल टू ए, हम सी एंड एफ को क्या मान लेते हैं इक्वल मान लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका फोर्थ था, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5th एक्सप्लेन कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 5, इफ देयर इज टेम्परेचर इज न्यूमेरिकल द सेम बॉट एंड फेरनहाइट सेल्सियस, तो आप क्या लिखेंगे यस, हो सकता है दोनों इक्वल हो तो हम ए इक्वल टू क्या मान लेते हैं सी, एफ और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आपका एफ तो ऑलरेडी है, एफ आपका गिवन, एफ इक्वल टू क्या होगा इसमें वैल्यू पुट करें 9/5 इक्वल टू सी प्लस 32। अब क्या करेंगे यहाँ पर एफ और सी दोनों इक्वल है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सी, यहाँ पर भी सी पुट कर देंगे 9/5 सी प्लस 32। अब क्या होगा ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 9/5 सी इक्वल टू 32। एलसीएम ले लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो कितना हो जाएगा ये
ये क्रॉस कर दिया मैंने, 5 का 32 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 टू जा 10, 5 थ्री जा 15 और 160 आया, तो 5 सी इक्वल टू 160 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 5 सी इक्वल टू 169 कितना हो जाएगा, ये 5 इक्वल टू 169। एक मिनट फिर से हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं किस टाइप से होगा ये। फाइव का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5c इक्वल टू 9c और इसका 5 का इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 160। तो 9c 5c माइनस 9c इक्वल टू 160 कितना आ जाएगा, ये 90 से 5 का कितने बचेंगे आपके 4c 160, तो c इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाय माइनस 4 कितना हो जाएगा, ये 40 कितना आ जाएगा, 4 4 16 c इज इक्वल टू माइनस 40। वैसे भी हम पहले भी इसको फाइंड आउट कर सकते थे कि c एंड f इक्वल है, तो माइनस 40 ऐसी वैल्यू है जिसमें दोनों क्या हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगे। तो फिर से एक्सप्लेन कर देते, 5 का मल्टीप्लाई सी में भी करेंगे और 32 में, 5 में सी का करा 5c तो 5 में 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 160, 9c कराया तो माइनस का हो जाएगा, 9c में से 5 जाएंगे तो 4c इक्वल टू 160, 160 में 4c से डिवाइड कर देंगे तो 4 4 जा 60 40, तो c की वैल्यू आ गई माइनस 40 है, f की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपकी माइनस 40। तो माइनस 40 ऐसा नंबर है जो दोनों के लिए क्या है, इक्वल है। तो आपकी जो चैप्टर था आपका एक्सरसाइज थी 4.3 कंप्लीट हो चुकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो सभी स्टूडेंट्स को आना चाहिए। ओके थैंक्स।